इस जन्माष्टमी आप अपने हाथों से कृष्ण भगवान को खुश कीजिए और इस मेवा पाक को बनाइए, और ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो चलिए इसकी रेसिपी कैसे बनाते हैं मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। मेवा पाक की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालेंगे। घी जब गर्म हो जाए तब हम इसमें ये बादाम डालेंगे। ये 25 से 30 बादाम हैं और इसका क्वांटिटी कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, आपको जितना इच्छा उतना डाल सकते हैं, थोड़ा कम या ज़्यादा, कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। इसे लो फ्लेम पर 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे। बादाम भून गए हैं तो अब मैं इसे निकाल लूँगी। अब इसी में मैं सेम अमाउंट लगभग ये काजू डाल रही हूँ। काजू भी 25 से 30 ले सकते हैं और इसे भी लो फ्लेम पर 1-2 मिनट के लिए भूनना है। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं कीजिएगा, बस हल्का गुलाबी कलर आने तक ही हमें भूनना है, इसे डार्क नहीं कीजिएगा। देखिए ये थोड़े थोड़े गुलाबी हो गए हैं तो अब मैं इसे निकालूँगी। अब इसे हम निकाल लेते हैं। मैं इसमें थोड़ा गोंद डालूंगी। इसे हाई फ्लेम में नहीं भूनिएगा, नहीं तो ये ऊपर से तो पक जाएगा, अंदर थोड़ा कच्चा रह जाएगा, इसलिए इसे लो फ्लेम में ही भूनना है। और देखिए मैं इसे धीमी आंच पर ही भून रही हूँ, तभी ये अच्छा होगा। इसे भी हम निकाल लेंगे। सेम प्लेट में ही मैं इसे निकाल लूंगी। मैं इसमें मखाने डालूंगी, थोड़े से मखाने हैं, बहुत ज़्यादा मैं नहीं ले रही हूँ, आप थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इसे भी हमें कुरकुरा होने तक भून लेना है। मखाने भी भून चुके हैं तो अब मैं इसे भी निकाल लूंगी। सेम प्लेट में ही निकाल लेते हैं। और ये देखिए इतने सारे ड्राई फ्रूट्स अभी तक मैंने भून लिए हैं। इसे घी मैं और डालूंगी क्योंकि अभी हम मुझे मगज के बीज भी भूनना है। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ। इसे भी कड़क होने तक भून लेना है। देखिए ये मगज के बीज फूल रहे हैं और चटक भी रहे हैं, तो इसका मतलब मेरे मगज के बीज भी अच्छे से भून गए। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमेशा गैस का फ्लेम लो ही रखें, हाई नहीं कीजिएगा, नहीं तो सारे ड्राई फ्रूट्स जो भी आप डाले हैं वो गुजलने का डर रहता है। इसमें सूखा नारियल ग्रेट करके मैं इसमें डाल दे रही हूँ। ये जो गड़ी आती है ना उसी को ग्रेट कर लिए हैं। इसमें थोड़ा सा खसखस, जिसे पोस्ता दाना भी बोला जाता है, उसे भी डाल दे रही हूँ और इसे भी 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर 1 या 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब सभी को मैं मिक्सी जार में ग्राइंड करूँगी, लेकिन अलग अलग, क्योंकि मुझे इसको दरदरा रखना है, बहुत फाइन पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा रहने से टेस्ट अच्छा आता है। तो इस तरह मैं अलग अलग सभी को पीस लूँगी। देखिए इस तरह मैंने दरदरा पीस लिया है, थोड़े बहुत चंक्स हैं इसमें, और अब मैं इसे इस कढ़ाई में ही डाल दूँगी। जो हमने भून कर रखा था ना नारियल, मगज और पोस्ता दाना, उसी में डाल देना है। इसी तरह बाकी को भी अलग अलग पीस कर हम इसमें डाल देंगे। इसी तरह बादाम भी हम पीस लेंगे। बादाम भी पिस गई है, इसे भी अब डाल देंगे।
अब मखाने को हम पीस लेते हैं। मखाने भी पीस गए हैं, इसे भी डाल लेते हैं। गोंद को मैं मिक्सी में नहीं पीस रही हूँ, इसे मैं हाथों से ही क्रश कर लूँगी, क्योंकि देखिए ये बहुत ही आसानी से क्रश हो जा रही है। आप चाहें तो बेलन से भी क्रश कर सकते हैं, लेकिन ये हाथों से ही आसानी से हो जा रही है, इसीलिए इसे हाथों से ही क्रश कर लेंगे। इस तरह इसे मैंने क्रश कर लिया। अब हम चलते हैं पाक बनाने की ओर। इसे मिक्स कर लेते हैं। पाक बनाने के लिए हमें चीनी कितना लेना है, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस मिक्सचर को मेजर कीजिए कि ये कितना है आपका। जैसे मैं एक कटोरी ले ले रही हूँ और इसमें इसको नाप ले रही हूँ। देखिए ये लगभग एक कटोरी हो गया, तो इसे मैं इसी में साइड में करके डाल देंगे और इसे भी नाप लेते हैं दूसरे साइड वाला। तो ये लगभग दो कटोरी है, देखिए ये लगभग दो कटोरी, ये पहले वाला है और ये सेकंड कटोरी। तो इसमें चीनी हम एक कटोरी से थोड़ा कम ही डालेंगे, तो ये मीठा अच्छा खासा हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा कम है, लगभग 3/4 कटोरी है, इसे मैं इसमें डाल दूंगी। पानी 1/2 कटोरी। अब हम इसका एक तार की चाशनी बनाएंगे। चाशनी मेरी अब गाढ़ी हो गई है और देखिए ये धीरे धीरे टपक रही है, यानी इसको चेक करते हैं। एक तार की एक तार बन रही है, देखिए अब ये चाशनी रेडी हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे। मैंने एक थाली को ग्रीस कर लिया है और इसे रख देते हैं और इसे मिक्स करते रहते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। गैस मेरा ऑन है और थोड़ी देर मिक्स करने के बाद हम इसे थाली में डालेंगे। दो इलायची के दाने को मैंने कूट लिया है और मैं इसमें डाल दूंगी। अब ये देखिए मेरा मिश्रण एकदम तैयार हो गया है, तो अब मैं इसे थाली में डालूंगी। अब हम इसे अच्छे से फैला लेंगे। मिक्सचर जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो हम इसमें कट लगा देंगे ताकि बाद में जब पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो फिर कट मतलब लगाने में दिक्कत ना हो, इसलिए थोड़ा हल्का ठंडा हो तभी कट लगा लें। मेवा पाक मेरा बनकर तैयार हो गया है और ये अच्छे से ठंडा हो गया है, तो अब मैं इसे निकाल कर आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है। तो इस जन्माष्टमी आप मेवा पाक बनाइए और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।